तो गर्मी शुरू हो गई है, तो गर्मी के लिए जितना गर्मी का सीजन का फल है वो आप सबको खाना चाहिए, खाना बहुत जरूरी है। तो आज आज हम बनाएंगे खरबूज का शरबत। तो शरबत बनाना बहुत आसान है और बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, और कितना परफेक्ट बनता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है, और ठंडा ठंडा कूल कूल गर्मी के मौसम में यही सब खाना चाहिए, जूस पीना चाहिए, खरबूज खाना चाहिए। वाटरमेलन का मैं जूस बना कर डाली थी और ये आज मैं इसको बना रही हूँ, तो मुझे पीने का मन किया तो मैं सोची कि बना भी देती हूँ और डाल भी दूँगी। तो चलिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है, कितना परफेक्ट बना है। मौसम गर्मी का मौसम का फल हमेशा खाना चाहिए, तो जूस भी बना कर सर्व करना चाहिए। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बनाऊंगी खरबूज का जूस, यानी शरबत कहते हैं, जूस भी कहते हैं। तो देखिए मैंने खरबूज लिया है, गर्मी का मौसम शुरू हो गया है ना, तो वो सोचे हैं कि थोड़ा खरबूज का जूस हम बना कर सर्व कर लें। कितना अच्छा लिए हैं, अच्छा वह है, अच्छा भी है। तो हम इसको कट कर लेते हैं, तो देखिए हम दिखाते हैं हम कैसे कट करेंगे। तो इसको हम कट करेंगे वैसे, तो देखिए मैं कट कर रही हूँ, तो कट कर ली। अब इसका हम बीज निकाल देंगे, तो बीज निकाल देंगे तो देख सकते हैं स्पून से मैं निकाल रही हूँ, अच्छे से निकल गया है, थोड़ा भी परेशानी नहीं हुआ निकालने में। तो इसको हम छिलका उतार लेते हैं, छिलका उतार के फिर हम कट कर लेते हैं। तो देखिए ये है बीज और छिलका, इसको हम हटा देते हैं। और ये है, ये पीस काट लिए हैं, कट कर लिए हैं पीस, अच्छा से पीस बना लिए हैं। इसको हम डालते हैं जूसर, जूसर में डालते हैं। तो देखिए इसमें हम डाल देते हैं जूसर में, तो डाल दिए। अब इसमें हम डालेंगे चीनी, तो ये 2 स्पून चीनी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 2 स्पून हो गया। इसमें हम डालेंगे काला नमक, टेस्ट अच्छा लगता है काला नमक और चीनी डालने से। ये रहा काला नमक, इसमें से हम थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी डाल देंगे। ये हो गया, अब हम ग्राइंड कर लेते हैं। तो मौसम ठंडा है इसलिए मैं इसमें आइस नहीं डाली, तो आइस के बदले मैं पानी डाल रही हूँ। देखिए पानी डाली थोड़ा सा, तो देखिए हम छान लेते हैं छन्नी में। देखिए तो देखिए ये रेडी हो गया है, हम इसमें गिलास में डाल देते हैं। तो ये है मेरा खरबूज का जूस, ये है। तो कितना अच्छा बन के तैयार हो जाता है। इसमें हम डालेंगे काला, सॉरी चाट मसाला डालेंगे। तो देखिए हम चाट मसाला इसमें से डाल देते हैं, तो बहुत टेस्ट लगेगा, चाट मसाला डालेंगे तो हो गया चाट मसाला। हम सर्व करेंगे, इसमें आइस नहीं डालेंगे। तो देखिए कितना अच्छा बन के रेडी हो गया है, अब एक बार जरूर ट्राई करें। आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।